नमस्कार साथियों, सीबी विकलित गुरु में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली आईटी एडमिशन 2022 दोस्तों, कल ही इसका जो है 2 तारीख को फर्स्ट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट दोस्तों घोषित हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो कल के डेट में निकल चुका है, आप उसे देख लीजिए। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एडमिशन के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। यहाँ तो अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो एडमिशन में दिक्कत हो सकती है, इसलिए दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट जो बताने वाला हूँ अगर उसे तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है आपके काउंसलिंग के समय। दोस्तों दिल्ली की वेबसाइट से मैंने एक नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, आप वहां से देख सकते हैं। अब इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ऑनलाइन एडमिशन के लिए यहां पे जो है कैंडिडेट को गाइडलाइन किया गया है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर लेकर जाना है इसमें सब पूरी बातें अच्छे से लिखी गई है। तो आइए मैं बताता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेकर जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, नेम ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया गया है और रिमार्क्स दिया गया है, मतलब क्या क्या लेकर जाना आपको। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान से बात को समझनी है, कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर, जो आपको ये लेटर जारी हुआ जिसका नाम आ गया है लिस्ट में, वो अपना इस कॉपी को मतलब कि इसको जो है डाउनलोड कर लेना है, मतलब प्रिंट आउट निकाल लेना है, डाउनलोड फ्रॉम ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। तो आपको दोस्तों इसको क्या करना है, आपको इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे करना है ऑल हिज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। देखिए यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्कशीट सर्टिफिकेट, मतलब कि आपका जो है अगर आपने 10वीं लगाया है तो 10वीं का लेकर जाना है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर आपने 8वीं लगाया है तो आपको 8वीं की मार्कशीट लेकर जानी है। ये बात ध्यान रखेंगे, अगर दोस्तों अगर आप जो है 10वीं का लगाए हैं तो इसके साथ साथ मार्कशीट और जो है सर्टिफिकेट दोनों लेकर जाना है। अब मार्कशीट सर्टिफिकेट क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। मार्कशीट का मतलब ये होता है जिसमें आपके अंक पत्र होते हैं, मतलब जिसमें आपका नंबर वगैरह लिखा होता है, कितने नंबर पाए हैं आप सब्जेक्ट में, कितने पास हुए हैं। और एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपका नाम वगैरह दिया रहता है, आपके पिताजी का नाम, सब्जेक्ट दिया रहा है, उसमें नंबर नहीं होता है, उसमें पूरा ब्यौरा दिया रहता है कि उसमें क्या क्या आपका नाम है, पिताजी का नाम, फादर्स नेम, डेट, क्या क्या सब्जेक्ट है, पूरा डिटेल आपको दिया रहता है, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट। अब दोस्तों बात यह है कि कितने लोग को प्रेजेंट टाइम में अब जो है कुछ सालों से जो है आपको सर्टिफिकेट और जो है मार्कशीट दोनों एक ही में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका दोनों एक ही में है, अंक पत्र भी दोनों में एक ही में है और प्रमाण पत्र दोनों में एक ही है, इसको बोलते हैं प्रमाण पत्र, इसको बोलते हैं अंक पत्र, यानी मार्कशीट और जो है सर्टिफिकेट दोनों एक ही में आ रहा है, तो अगर आपका दोनों एक ही में आप एक ही लेकर जाइए, अगर अलग अलग है तो आप जो है अलग लेकर जाइए। जैसे मान लो मैं किसी ने 2008 में पास किया है, ठीक है, किसी ने 2008 में पास किया है तो उसका मार्कशीट जो है, या किसी ने 2010 में पास किया है तो उसका जो है मार्कशीट और जो है उसका जो है सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग होगा, किसी ने 2020 में पास किया है, ठीक है, या 2022 में पास किया है तो उसका जो है एक ही में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे सर्टिफिकेट की। अब दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा सर्टिफिकेट है वो आपके सामने ये है कि यहाँ पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका जो है आप चाहे SC में हो, ST में हो, OBC में हो या EWS में हो, जनरल कैटेगरी में अगर आप रहते हैं, जनरल कैटेगरी संबंधित हैं, तो अगर आपका EWS है, इकोनॉमिकल बीकर से जहाँ पे सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो यहाँ पे तो आर्थिक रूप से कमजोर सर्टिफिकेट आपके बनवाया है उसके अंतर्गत आते हैं तो आप जो है इसको लेकर जाएंगे। आपके पास SC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ST का अगर आप जिस कैटेगरी में हो, OBC का और जनरल के EWS का सर्टिफिकेट आपको लगेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों इसकी एक फ़ोटो कापी और इसका ओरिजिनल दोनों लेकर जाना, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद तो यहाँ पे सब कैटेगरी का जो है PWD का अगर आपके पास है, यहाँ पे NCC का सर्टिफिकेट आप तो उसे लेकर जा सकते हैं, DGDP का, मतलब कि अन्य कोई सर्टिफिकेट आपके पास हो, मिलिट्री कोई जो है आपका सर्टिफिकेट हो, अगर आपके पास कोई अन्य सर्टिफिकेट हो तो आप इसे लेकर जा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने अपने फॉर्म में जब फॉर्म भरा था तो अगर आपने ये सब जो है भरा होगा, कोई NCC वाला है फिर कुछ भी, तो आप उसे लेकर जा सकते हैं, नहीं तो ये जो है तीसरा जो नंबर लिखा हुआ है ये इसकी जरूरत इसको आपको नहीं, अगर आपने नहीं आपके पास नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो ऊपर में बताया उसको लेकर जाना है। अब दोस्तों जो अगला सर्टिफिकेट है यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, जो तीसरा सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पर लिखा है सेल्फ अटेस्टेड जो है आपको फोटो कापी डॉक्यूमेंट्स, जो मैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स बताया है उसका आपका यहाँ पर लिखा है, मतलब जो ऊपर अभी मैंने बताया है उसका आपको खुद से क्या करना है, साइन करना है उस पर जो है, आपको सबसे पहले उस पर क्या करना है, साइन करना है, मतलब लिखा है सेल्फ अटेस्टेड, मतलब कि जो आपको आपको खुद से साइन करनी है उस पर, ठीक है। आपको जैसे मान लीजिए फॉर्म है,
ये फॉर्म मान लेते हैं, ठीक है। आपका ये कोई फॉर्म डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटो कापी पे, ओरिजिनल पे नहीं, फोटो कापी पे आपको जो है यहाँ पे आपको साइन कर देनी है नीचे, ठीक है, जहाँ पे जगह होगा उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। यहाँ पे आपका हो जाएगा, अब सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको जो है यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट फोटो कापी पे आपको अटेस्ट करना है, ठीक है, खुद से अटेस्ट करना है, पे लिखा सेल्फ, हमने खुद से। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो मेन पॉइंट है आप ध्यान से देंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट है। अब सवाल है कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनाएंगे, तो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ आगे, और कहाँ से आपको PDF मिलेगा वो भी दोस्तों मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ। अब दोस्तों इसके बाद आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा है कि सेल्फ अटेस्टेड प्रोहिबिशन रैगिंग एंड अंडरटेकिंग, ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बता दे रहा हूँ मैं कि आपको कोई भी निषेधात्मक रैगिंग एंटी रैगिंग का जो है ये सर्टिफिकेट आपको लेना है वो कहाँ से मिलेगा, अभी बता दे रहा हूँ मैं कहाँ से मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है अंडरटेकिंग की, ये भी कहाँ से मिलेगा बता दे रहे हैं अभी आगे। इसके बाद दोस्तों सेल्फ अटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेनी है, ये करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा वो भी आप समझने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है 3 पीसेस कैंडिडेट, मतलब कि आपको 3 जो है क्या करना है, फोटो लेकर जाना है, कलर फोटो आपको लेना है, 3 फोटो लेना है। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे जो लिखा गया है, जैसे कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है, प्रोहिबिशन रैगिंग जो है एंड अंडरटेकिंग, ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, फिर इसके बाद अंडरटेकिंग ये वाला कहाँ से मिलेगा, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, ये सब यहाँ पे आप समझने वाले। अब देखिए यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है और यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दोस्तों यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका यह फॉर्म, आप ये लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ पे फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये है मेडिकल सर्टिफिकेट, आपको करना क्या है कि यहाँ पे साइन जो है ये मेडिकल सर्टिफिकेट ये है, देखो प्रारूप है। अब दोस्तों करना क्या है यहाँ पे कि आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से बनवा लेना है, यहाँ पे दे सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर भी जो है सील मुहर यहाँ पर कर देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भर देगा अपना। तो किसी भी गवर्नमेंट सरकारी जो है डॉक्टर से, आप सरकारी डॉक्टर से जो होंगे उन्हीं से दोस्तों ये जो है प्रारूप आपको बनवा लेनी है, आप इसको जो है उनसे भरवा लीजिए या खुद भर लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है इसी भर के जो है किसी सरकारी डॉक्टर से आपको यहाँ पे साइन मोहर करवा लेना है, अगर डॉक्टर प्राइवेट है, ठीक है, अगर डॉक्टर प्राइवेट है और उसके पास जो है MBBS के सर्टिफिकेट है, उसके पास अगर जो है MBBS के सर्टिफिकेट है तब भी वो वहाँ पे साइन मोहर कर सकता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे और यहाँ पे जो अपना मोहर लगा देंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे नाम साइन कर देंगे, आपका पूरा पूरा प्रारूप हो जाएगा तैयार, ठीक है। अगर सरकारी हॉस्पिटल से बनवाते हैं तो आपको बहुत अच्छा होगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट की। अब यहाँ पे देखिए करेक्टर सर्टिफिकेट है, अब दोस्तों इसको क्या करना है कि आपको इसको ये प्रारूप है इसको भर लेनी है, ठीक है। भरने के बाद जो है यहाँ पे जो है उनका जिन जो बनाएंगे यहाँ पे सील मोहर एड्रेस रहेगा, स्टाम्प पेपर अपना रहेगा, ठीक है, मतलब कि उसमें जो अपना साइन मोहर करेंगे। अब दोस्तों कहाँ कहाँ से बनवा लेने, देखिए आपको इसको बनवाने के लिए दोस्तों आप चाहे अपने स्कूल से प्रिंसिपल से बनवा सकते हैं या हेडमास्टर से बनवा सकते हैं, ठीक है, जो जब जिस स्कूल से आप हाई स्कूल पास किए हैं वहाँ से बनवा सकते हैं, या फिर 8वीं पास किए हैं आप तो वहाँ से बनवा सकते हैं, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बनवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप जो वहाँ से नहीं बना सकते हैं तो आप कोई गेजेटेड ऑफिसर से जो है बना सकते हैं, कोई भी राज्य अधिकारी होगा तो आप उससे बनवा सकते हैं, आपका प्रूफ माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है स्टेट लेजिस्लेचर बिलोंग टू, यहाँ पे आप कोई भी मेंबर जो है आपका पार्लियामेंट का हो तो उससे भी बनवा सकते हैं, आपका प्रारूप माना जाएगा। इसके बाद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से बना सकते हैं, ये भी आपका माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे तहसील से बनवा सकते हैं अभी अगर बनवाना चाहते हैं। इसके बाद तो आपको जो है कोई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, मतलब कि जो है कोई ऑफिसर हो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो आपसे बना सकते हैं, जिसे आप बोलते हैं BDO बोलते हैं, ठीक है, आप इनसे बना सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे वो है सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट बाई कैंडिडेट आल्सो वैलिड, अगर कोई भी नहीं मिलता है दोस्तों, कोई भी नहीं मिलता आपको तो दोस्तों आप जो है सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट वैलिड, मतलब आप अपना जो है अपना मोहर मतलब मोहर के लगाएंगे साइन कर देंगे हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है सेल्फ अटेस्टेड जो है कैंडिडेट बाई द कैंडिडेट आल्सो वैलिड, मतलब अगर कोई नहीं मिलता है तो आप अपना यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है साइन कर देंगे, आपका खुद का माना जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो है सेल्फ अटेस्टेड कैंडिडेट बाई द सर्टिफिकेट बाई द कैंडिडेट आल्सो वैलिड, अगर आप खुद से कर देते हैं तब भी दोस्तों वो गलत नहीं होगा, आपका सही माना जाएगा। लगातार आपने
स्कूल से बनवा लेते हैं तो और अच्छी बात है, अगर नहीं बना सकते हैं तो दोस्तों आप अपना खुद का यहाँ पे साइन मोहर हम लोग यहाँ पे भर लेंगे, यहाँ पे अपना नाम भर देंगे, ठीक है, यहाँ पे नाम भर देंगे, यहाँ पे फादर्स नेम भर देंगे, फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रजिस्टेंट आप जो है कहाँ पे रहते हैं ये सब भर देंगे, कितने साल से रहते हैं ये पूरा भर देंगे। इसके बाद दोस्तों भरने के बाद तो आप यहाँ पे साइन मोहर कर देंगे, हो जाएगा आपका, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगले सर्टिफिकेट की। अब दोस्तों यहाँ पे है प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग, निषेधात्मक आपको रैगिंग एक बनवाना है यहाँ पे, ये भी आपको सेल्फ डिक्रिएशन मतलब खुद से बनाना है, आपको खुद बना सकते हैं। ये PDF कहाँ मिलेगा मैं दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, आप दोस्तों वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका जो प्रिंट आउट निकाल के इसे भर सकते हैं और जाके जमा कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो है आप जो वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी अवेलेबल है। इसके बाद तो करना क्या है कि यहाँ पर आपको खुद से भी भरना है, यहाँ पर अपना नाम भर देना है, ठीक है, यहाँ पे फादर्स नेम भर देना है, यहाँ पे जो है कब से आप कहाँ पे रहते हैं वो सब भर देना है। इसके बाद तो आपको यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे कैंडिडेट नेम भर देनी है, ठीक है, यहाँ पे आप जो है आई एम यहाँ पे अपना नाम, फिर से यहाँ फादर्स नेम भर देनी है। इसके बाद तो यहाँ पे तैयार हो जाएगा, फिर आपको दोस्तों यहाँ पे अपने गार्जियन का सिग्नेचर करा लेना है, अपने माता पिता या फिर गार्जियन कोई सिग्नेचर यहाँ पे आपको करा लेनी है और यहाँ पे उनका नाम लिख देना है, तो ये प्रारूप आपका तैयार हो जाएगा। अगला सर्टिफिकेट दोस्तों आपका है अंडरटेकिंग का, ये भी दोस्तों आप खुद से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से बनाना नहीं है आपको। यहाँ पे लिखा गया है फुल सिग्नेचर प्रेजेंट सॉरी पेरेंट एंड गार्जियन का है, आपको यहाँ पे अपने माता पिता का साइन करा लेनी है और यहाँ पे जो है फुल सिग्नेचर कर देनी है, ठीक है, यहाँ पे आपका फेथफुल्ली मतलब कि जो है यहाँ पे साइन कर देना है। इसके बाद तो यहाँ पे नेम आपको अपना नाम भर देना है ब्लड लेटर में, फिर इसके बाद तो यहाँ पे रिलेशन क्या संबंध है पिता माता से मतलब पुत्र क्या पुत्री जो भी हो आपका यहाँ पे। इसके बाद ट्रेड रोल नंबर आपको ये नहीं भरना क्योंकि आपको ये पता नहीं होगा तो आपको भरना नहीं है। हाँ, ट्रेड आपको पता कौन सा ट्रेड आपका है, रोल नंबर नहीं भरेंगे क्योंकि रोल नंबर को नहीं पता होगा तो रोल नंबर मत भरी, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। ट्रेड आपको भरना, जैसे मान लीजिए आपका फिटर है तो आप यहाँ फिटर भर दीजिए, ठीक है। अगर आपका जो है इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन भर दीजिए, जो भी आपका ट्रेड हो यहाँ ट्रेड भर देंगे, ट्रेड मतलब व्यवसाय जो भी आपको मिला हो वो भी भर देंगे। रोल नंबर आपको नहीं भरना क्योंकि आपको पता नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, इसे आप तैयार कर लीजिए और यही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं दोस्तों तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन दोस्तों अच्छा लगेगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए और जॉब पूरा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।